अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुस्कान और आप देख रहे हैं लाइव विद मुस्कान यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे जलेबी। बहुत ही इजी रेसिपी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। चलिए, जलेबी बनाने से पहले हम सबसे पहले हम शीरा तैयार करेंगे। शीरा तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 किलो मैंने चीनी ली है, 2 kg, और 2 ग्लास मैंने पानी लेना है, 1 ग्लास मैंने रख लिया, 1 और लेंगे। अगर हमने 4 किलो जलेबी बनानी है तो इसमें हम लेंगे 2 किलो चीनी। अगर हमने 2 किलो जलेबी बनानी है तो उसमें हम लेंगे 1 किलो चीनी। तो हम 4 किलो जलेबी बना रही है तो इसलिए हम मैं इधर ले रही हूँ 2 किलो चीनी। और मैदा लेंगे हम उस अगर हमने 2 किलो चीनी ले ली है तो मैदा हमने 1 किलो लेना है। जितनी मकदार में चीनी ज़्यादा होगी उससे एक कम मकदार में कम मैदा होगा। चलिए, सबसे पहले इसमें चीनी डालते हैं, 1 ग्लास मैंने डाल दिए, दूसरा ग्लास। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर फ्लेम मैंने ऑन कर दी। हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, अपनी चाशनी तैयार करेंगे। तब तक के लिए हम जलेबी के लिए मैदा तैयार करेंगे। एक तरफ हमारी चाशनी तैयार हो रही है, दूसरी तरफ हम जलेबी के लिए मिक्सचर तैयार करेंगे। 1 किलो मैंने मैदा लिया, 1 ग्लास पानी, चुटकी से हमने रंग काट लेना है और चुटकी हमने अल्मोनियम लेना है। कलर आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। अगर आपको रेड वाला पसंद है आप रेड वाला लें। कुछ इलाकों में ऑरेंज बनती हैं, कुछ में येलो बनती हैं, तो मैं इधर रेड ले रही हूँ ऑरेंज कलर जलेबी वाला। तो अगर हमने बाजार जैसे जलेबी बनानी है तो हमने फॉलो करना इन सब चीज़ों को, रंग कट और अल्मोनियम ही डलता है बाजार जैसे जलेबी में। तो अगर हम बाजार जैसे बना रहे हैं तो हम ये 2 चीज़ें ज़रूर डालेंगे, ना तो बेकिंग सोडा और ना ही बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे। सबसे पहले मैं रंग कट डालूंगी इसमें, अल्मोनियम, इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करूंगी। ये अच्छे से मिक्स होगी, अब इसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल दूंगी। हाथ के साथ भी काट सकते हैं, मेरे पास बीटर तो मैं इसके साथ। ये देखिए, हमने हाथ के साथ किस तरह करना है, इस तरह, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो। बहुत ही हिम्मत के साथ ये करना है, जितना ज़्यादा इस तरह मिक्सचर तैयार करेंगे उतनी ही जलेबी हमारी से अच्छी और मज़े की बनेगी। हमारी चाशनी भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई, ये देख सकते हैं। अब हम इसमें 1 ड्रॉप इसका डालेंगे इलायची। ये डाल दिए, हम इसे मिक्स करेंगे। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू, अगर आपके पास इलायची के ड्रॉप्स ना हो तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह मिलती आप इजीली पंसार की दुकान से ये खरीद कर। चलिए, एक हमने कपड़े में डाल लिया, अभी इसे इधर से पकड़ेंगे, पहले इधर से चारों कोनों से पकड़ के इस तरह और ऐसे, ये अब हमारा गर्म हो गया था। अब हम जलेबी बनाएंगे, छोटे छोटे जलेबी। अगर आप बड़ी बनाना चाह रहे हैं आप, वो आप पे डिपेंड करता है, जिस मर्जी शेप में बनाई आप। जैसे ही हमारी जलेबी फूल जाएगी तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो समझ लेंगे हमारी जलेबी अच्छे से बन गई है। एक साइड से पक गई, दूसरी साइड चेंज करेंगे इसकी। हमारी जलेबी तैयार होगी, अब इसी तरह हम इसे ऊपर से इस तरह चम्मच के साथ टिप करेंगे ताकि हमारी चाशनी अच्छे से जलेबी में मिक्स हो जाए और मीठी मीठी बन जाए।
हमारी जलेबी बिल्कुल तैयार है। तकरीबन हमारी ये 5 से 6 किलो जलेबी तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की, क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही यूट्यूब में यूट्यूब चैनल लाइव मुस्कान को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।